हरियाणा के घरोंडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घरोंडा के वार्ड नंबर 15 निवासी अंजलि सुबह करनाल कॉलेज जाने के दौरान घरोंडा बस अड्डे पर हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आने से घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय अंजलि सुबह घरोंडा बस अड्डे से हरियाणा रोडवेज की बस में सवार हो रही थी। इस दौरान बस में चढ़ते समय अंजलि का पांव फिसल गया और उसका पांव बस के पहिए के नीचे आ गया, जिससे छात्रा का पांव पूरी तरह से घायल हो गया। मौके पर खड़े लोगों ने अंजलि को तुरंत संभाला और उसे घरोंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने अंजलि का इलाज किया। इस दौरान अंजलि ने कहा कि बस का ठीक रूप से ठहराव ना होने के चलते उसके साथ यह हादसा हुआ है। रोडवेज को अपनी बसों को बस अड्डे पर साइड में पूरी तरह से रोक कर चलना चाहिए, ताकि किसी बच्चे के साथ कोई हादसा घटित ना हो। इस दौरान छात्र विशाल सैनी ने बताया कि हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर बड़ी लापरवाही से बस चलाते हैं, जिसके चलते आज अंजलि बस की चपेट में है। विभाग के उच्च अधिकारी ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करें। वहीं सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि एक छात्रा बस में गिरने से घायल हुई है, जिसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में घरोंडा में किया जा रहा है। अभी एक्सरे की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद बताया जाएगा कि पैर में फ्रैक्चर है या कुछ और। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। अपने नाम बता अपना। अंजलि बता, क्या क्या से हुआ है? कौन से रोडवेज की बस थी? तो कहाँ कॉलेज जाते हो, कहाँ जाते हो आप? कौन से क्लास पढ़ते हो? तो अभी उपचार के लिए फिर कहाँ पर आए? फिर उठाया मतलब वहाँ से कैसे आए? तो बस वाला फरार हो गया? उसने बस रोक की नहीं, हमने आवाज दी। नंबर नोट करा सो गई? तो पुलिस में कंप्लेंट की है? काफ़ी भीड़ रहती है क्या वहाँ लड़कियों के लिए जो बस होंगे? तो कोई स्पेशल बस नहीं लड़कियों के लिए? नाम विशाल सैनी सर। अब बताइए क्या मामला हुआ है? मामला यह घरोंडे के सुबह मेरे ख्याल 8:30 की बात है, जैसे ही के वार्ड नंबर 17 की अंजलि नाम की लड़की, जिसके पापा जी का नाम सुरेश है कुमार, जो कि एक सीधे साधे परिवार से है, वह कॉलेज में जा रही थी, तो लापरवाही इतनी भीड़ रहती है बस स्टैंड पे कि ना तो वहाँ पे एक भी बसें रुकती है, और जो कोई रुकती है उसी में धक्का मुक्की बुरा हाल। एक तरफ तो सरकार कह रही है, एमएलए साहब करवा रहे हैं, हमने नया बस स्टैंड बनवा दिया, ये पुराने बस स्टैंड का सुधार करो, जब नए का निर्माण करना, यहाँ पे बस नहीं रुकती। जो रोडवेज कर्मचारी है वो लोकल बस है HR 45A 1150 जिसका नंबर है, अभी इस लड़कियों को यहाँ गौरव सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए थे, और जैसे ही लेके आए थे तो इसका अभी उपचार करवाया है और हमने मेडिकल बनवाया है। हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही अपील करेंगे कि उस रोडवेज कर्मचारी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होए। अगर यह कार्रवाई नहीं हुई तो हम सांकेतिक धरना बस स्टैंड पे दिया जाएगा। युवा बोलेगा मंच की तरफ से, मैं विशाल सैनी, धन्यवाद। एक्सीडेंट का केस आया था, एक लड़की बस चढ़ रही थी और बस चढ़ते हुए बस वाले ने बस चला दिया, उसने बताया मुझे, तो वो गिर गई, उसके पैर में चोट लग गई है। हमने मेडिकल लीगल केस बना दिया उसका और उसका एक्सरे करा दिया पैर का, अभी रिपोर्ट के देख के आगे हड्डी वाले से कंसल्ट करेंगे। तो फ्रैक्चर वगैरह है? अभी देखा नहीं, एक्सरे की रिपोर्ट हाथ में आई नहीं है मेरे, अभी उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अगर फ्रैक्चर होगा तो आगे करनाल रेफर। क्या नाम है मरीज का? मरीज का नाम अंजलि नाम का मरीज। डॉक्टर साहब अपना नाम क्या है? डॉक्टर ध्रुव। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।